तो गाइस तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज के विदाउट सबसे खतरनाक वाले न्यूज में। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, पटना विश्वविद्यालय में आप लोग को जितने भी स्टूडेंट थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए किसी कारणवश क्या उन लोगों का मार्क्स अच्छा था फिर भी उन लोगों का नामांकन नहीं हो पाया। बहुत सारे स्टूडेंट का ट्वेल्थ के बेसिस पे या कुछ कारण के वजह से उन लोगों का क्या हुआ है, सिलेक्शन लिस्ट में नेम नहीं आया, जिनका 41-51 भी मार्क्स है उनका भी मेरिट लिस्ट में नेम नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जितने भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स राउंड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो दोस्तों आप लोग हो जाओ तैयार, सारा डॉक्यूमेंट्स क्या कर लो आप लोग अरेंज कर लो, क्योंकि सीट खाली होने की संभावना एकदम 99.9% है। तो दोस्तों आप लोग का स्पोर्ट्स राउंड कब से शुरू होगा, 24 अगस्त और 25 अगस्त से आप लोग क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स राउंड का एडमिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बता रहे थे कि सर जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए उनका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए उन लोगों का एडमिशन होने के लिए आप लोग मात्र 50% चांस है जो अप्लाई नहीं किया फॉर्म उनको, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्स राउंड में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सबके लिए दरवाज़ा क्या कर दिया जाएगा, पटना विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स राउंड में एडमिशन के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि जो अप्लाई फॉर्म किए वो भी एडमिशन ले पाएंगे और जो अप्लाई नहीं किए उनका भी एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग इंतज़ार कर लीजिए थोड़ा सा, 24 और 25 अगस्त को आपको एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकल जाए, क्योंकि आज से एडमिशन और 23 तक क्या होगा आप लोगों को एडमिशन लिया जाएगा आप लोगों को 4th मेरिट लिस्ट पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन वोकेशनल और रेगुलर में। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 4th मेरिट लिस्ट में आप लोगों का कितना रिजल्ट आया हुआ है और कौन कौन सा वोकेशनल और रेगुलर में कितने स्टूडेंट का 4th मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखो, सभी जगह नहीं देखना है, इस वाले कॉर्नर में आप लोग ध्यान से देखो, पटना विश्वविद्यालय सूची के आधार पर आज से क्या होगा, नामांकन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताया है कि पटना विश्वविद्यालय मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, आज 10 बजे से आप लोग का एडमिशन शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा, 4:30 तक यहाँ चलेगा, यानी कि 4:30 बजे तक आप लोग का एडमिशन होगा पटना यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कॉलेजेज में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि आप लोगों को 4th मेरिट लिस्ट में यानी कि रेगुलर में कितने स्टूडेंट का लिस्ट जारी किया गया है, 519 लोगों का लिस्ट जारी किया गया है 4th मेरिट लिस्ट में यहाँ पर रेगुलर में। और वही वोकेशनल की बात कर ले तो वोकेशनल में 480 सीटों पर क्या कर दिया गया है, आप लोग को लिस्ट जारी किया गया था। मैंने सीट मैट्रिक्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसके तहत आप लोगों का क्या होगा, स्पोर्ट्स राउंड में एडमिशन होगा। तो आप लोग सीट मैट्रिक्स देखकर अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स राउंड में स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो 3000 से अधिक एडमिशन ले लिए, तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा कि बहुत कम सीटों पर एडमिशन हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी में 4 सीट था तो मे बी 4th मेरिट लिस्ट के अनुसार वो तो फुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि दोस्तों यहाँ पे जो छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि 4th मेरिट लिस्ट 22 और 23 तारीख तक क्या होगा, काउंसलिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे डेट साफ साफ बता दिया गया है आप लोगों को, आज और कल एडमिशन होगा और लगे हाथ 24 अगस्त और 25 अगस्त को क्या होगा, स्पोर्ट्स राउंड का एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे, जैसे ही अपडेट होगा मैं पूरा अपडेट आप लोग को देते रहता, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी PDF जाता है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को फर्दर PDF के लिए कोई कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। तो चलो आप लोगों को मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट।